हाय गाइज, आप देख रहे हैं यूथ नेट सर्फ कैरियर यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमराज। सबसे पहले नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में इस वीडियो को खास बनाते हैं। और मैंने कई बार इस वीडियो पर, इस चैनल के माध्यम से कई वीडियो पर मैं कहा हूं कि किसान भाइयों के लिए और किसान के संतान, कहने का मतलब और देश के जो किसान के जो बच्चे हैं, जो युवा अवस्था में जा चुके हैं, ग्रेजुएट कर रखे हैं, बहुत सारी डिग्रियां ले रखे हैं, लेकिन उनको अच्छी खासी जॉब या फिर अच्छी खासी बिजनेस या फिर अच्छे खासे इनकम नहीं हो पा रहे हैं, कोई चीज़ नहीं मिलने की वजह से, अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में नहीं मिलने के कारण हमारी कदर नहीं होती, हमारी वैल्यू नहीं होती। अगर हम पैसे कमा रहे होते हैं, हमारी कैरियर अच्छी होती है, तो आजू बाजू के हर लोग जो है सो वैल्यू देते और कहते, तारीफ़ करते। तो आइए आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम आप लोग के बीच आए हैं। और मैंने कहा भी था कि किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी की जानकारी और किसान भाइयों के जो संतान हैं उनके लिए कैरियर की भी जानकारी लेके आऊँगा, क्योंकि सारे लोग अगर डिफरेंस के टाइप के कैरियर नहीं करेंगे, घर के एक ही सदस्य कमाएंगे, बाद बाकी खाएंगे, तो हमारा समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का तरक्की संभव नहीं है। इसलिए हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम युवाओं को अर्न करना चाहिए, और अर्निंग तभी होता है जब हम लर्निंग करते हैं। तो आइए आज इसी एक बिंदु पर लर्निंग करने के प्रयास करें। और लॉकडाउन के समय में आर्थिक मंदी से देश का कमर टूट गया। देश का कमर टूटने का मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनकी स्थिति नाजुक होने लगी, उनकी स्थिति कमर टूट गई आर्थिक स्थिति की। तो कहने का मतलब कि हम इस समय में क्या करें, बड़ी कैरियर कैसे करें, तो हम याद रखिए, हम चले हैं 8/19/2050 पर 15 डेज के लिए, मतलब जो आपको पचने वाली बात नहीं है। कहने का मतलब हमारे साथ अगर जुड़ करके एक कैरियर हमारे देश के युवा लोग करना चाहते हैं, पार्ट टाइम के रूप में अपना टाइम इन्वेस्ट करके, यहाँ पे ओनली टाइम इन्वेस्ट करना है, बाद बाकी कुछ नहीं करना है, और टाइम इन्वेस्ट करके एक बड़ी कैरियर किया जा सकता है। और 15 दिन के इनकम 8/19/2050 तक आप जा सकते हैं, जो कि 90% से अधिक लोगों को यह पचेगा नहीं, ये इस पर भरोसा नहीं होगा, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में ये इजीली होता है। ये वही लोग जानते हैं जो सक्सेस हुए हैं या जो सक्सेस होने के पथ पर चल रहे हैं, उन्हीं को पता है, उन्हीं को भरोसा है। तो आइए आज आप भी भरोसा कीजिए और कुछ इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए, ताकि आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि यह बात सही है या गलत। तो आइए आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं कि आखिर हम 8/19/2050 पर 15 डेज के लिए हम क्या करें, कैसे करें, कौन सा इंडस्ट्रीज में कैसे वर्क करें। तो आइए, हमारे लिए नेटसर्फ कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र की कंपनी आपके लिए, हमारे लिए और हमारे देश के पूरे सभी युवाओं के लिए, युवतियों के लिए एक डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर लेके आई है। इस डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आप समझिए, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी कहती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर दिए, प्रोडक्ट मेरा अपना है, R&D अपना है, पैकेजिंग अपना है, लीगल है, फाइनेंशियली है, जो भी कंपनी के शर्त और कंडीशंस होते हैं, जो भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो सारे चीज़ पॉइंट्स जो है हमारी कंपनी ने फुलफिल कर रखा है, और एक बिग बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। और हमारी नेटसर्फ के एक ही कंपनी नहीं, ये बहुत सारे एसोसिएट कंपनी भी है, और हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर सर हैं सुजीत जैन सर ये और संजय मालपानी, ये दोनों सर जो है, ये लोग जो हैं इतने बड़े लेवल पे वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर को ट्रांसपेरेंट बना रखे हैं ताकि हर एक चीज़ दिखे, जहाँ दिखता है वहाँ लोग झूठ नहीं बोल सकता है। और मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें डी ग्रेड का प्रोडक्ट को 100 का प्रोडक्ट को 1000 में बेचते और कैरियर के नाम पे उनको ठगते, जबकि उनकी कोई ठोस लाइसेंस नहीं होती, BVPV पेयर तेयर का चक्कर होता है, पता नहीं चलता है क्या दे रही है कंपनी, क्या नहीं दे रही है। और हमारी कंपनी सीधा जो है कहती है कि हम आपको 3-6% टर्नओवर देंगे, जो आप टीम बनाते हैं, टीम के नीचे जो सेल होता है, जो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक यू ऊपर में जो हेड है वो आप अपने आप को समझिए, और सोचिए फिर आपने दो बनाया, उस दो ने दो दो बनाया, फिर उस दो ने दो दो बनाया। तो कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से 16-17 का व्यक्ति का टीम हो जाएगा, यदि 2-2 हज़ार का सेल करते हैं तो 30,000-35,000 का सेल जाएगा, उसका मान लीजिए कि टर्न ओवर 3-6% मिलता है, तो वो देख लीजिए, रेफरेंस का जो है, रेफर करने का जो है सो 5% मिलता है, भले ही प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, लेकिन कहने का मतलब है कि क्या उसके बाद टूर, ट्रैवलिंग, फाइव स्टार
होटल्स, ट्रेनिंग्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ मिलता है। लाइफ सिक्योरिटी आपको इंश्योरेंस कर देती है, हेल्थ के लिए 3 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम देती है, रोड एक्सीडेंट का देती है, फैमिली का रिस्क कवर करती है, नॉमिनी फैसिलिटी देती है। मतलब हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आकर के आप यूज़र बन के एक मालिक भी बन सकते हैं इस कंपनी का। कहने का मतलब है कि यहाँ पर के जो भी हम लोग घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी हो, पर्सनल केयर का हो, हेल्थ केयर का हो, होम केयर हो, एग्रीकल्चर केयर हो, या जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं किसी न किसी कंपनी का खरीद के लाते हैं, यदि उस कंपनी का ना खरीद करके अगर नेट सर्फ से हम खरीदना शुरू करते हैं, तो आप विश्वास रखिए कि वो प्रोडक्ट जहां 100 रुपये में दे कर लेते हैं, वही प्रोडक्ट यहां पर आपको 60 से 70 रुपये में मिल जाएंगे। मतलब डिस्काउंट मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि इसकी दुकान नहीं है। बीच के लोग जो 50 से 60% इनकम जो खा जाते हैं, जिस वजह से यूजर को 100 रुपये मिलता है 30 रुपये का सामान, वो हमारी कंपनी कहती है कि आपको ही हम डिस्काउंट के तौर पे दे देंगे 30 से 40%। बाद बाकी जो 10-20% बचता है, ये बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, जो जानकारी दिए, जो आपको आपके पास तक प्रोडक्ट पहुंचाए, इन लोगों के बीच में बांट देंगे। यदि बीच में आप डायरेक्ट सेलर से यहाँ से बन करके, मतलब कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन करवा के मेंबर बन जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सेल करके आप लाखों रुपये अर्जित कर सकते हैं। 8-19-2-50 पर मंथ जो है, नहीं 8-19-2-50 पर 15 डेज हमारी कंपनी सैकड़ों व्यक्ति को ये देती है, हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर पर मिल जाता है। या आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, अपना कोई भी रेफरेंस जो हमारी कंपनी का MDS है उसका डाल करके वहाँ से आप बढ़िया से चेक कर सकते हैं, सब कुछ दिखता है, ट्रांसपेरेंट कंपनी है। तो कहने का मतलब, आइए दोस्तों इस पर थोड़ा सा हम विश्वास करें कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, नेट सर्फ ही क्यों, इसके अलावा और भी है वो क्यों नहीं। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। हम आपको बता दें कि ट्रेंड्स, कहने का मतलब इंसान की प्रवृत्ति होता है कि जिस तरफ झुकाव व्यापार का, जमाने का जिस तरफ होता है, उस तरफ वो भी धीरे 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 झुक जाता है। लेकिन कुछ लोग पहले ढल जाते, पहले झुक जाते, और कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरे को देख करके, आजू बाजू के लोगों को देख करके फिर जो है क्या करते, ढलते, और वो लोग पिछड़ जाते हैं, और वही लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। तो आज आपको पिछड़ना नहीं है, आपको अगला लाइन में खड़ा रहना है। तो आइए इसके लिए हम अगला टॉपिक्स को समझें। लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको इस तरह की जानकारी कंटिन्यू मिलती रहे। और वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आइए आगे बढ़कर चलते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आखिर 1950 में प्लास्टिक के क्षेत्र में, उद्योग धंधे में जिन्होंने बदलाव किया, अपनी सोच को बदला, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के सेक्टर में जिन्होंने भी कदम रखा, वो बहुत पैसा कमाया सन 1950। आगे 10 साल के बाद की बात करेंगे तो 1960 के दशक में जो व्यक्ति ने ऑयल सेक्टर में तेल का व्यापार किया, वो बहुत पैसा कमाया। उसी तरह 1970 में ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने बहुत पैसा कमाया। 1980 में कंप्यूटर के सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने बहुत पैसा कमाया। 1990 में टेली कम्युनिकेशंस के सेक्टर में जो लोग ने काम किया, बहुत पैसा कमाया। 2000 ईस्वी में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जिन्होंने भी काम किया, बहुत पैसा कमाया। सन 2010 साल पहले ऑनलाइन मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, और क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जिन्होंने भी कदम रखा, ये 2020, कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है, डायरेक्ट सेलिंग का समय चल रहा है, और आप इसको भांप नहीं रहे हैं, ये अवसर को समझ नहीं पा रहे कि ये अवसर है, या फिर फिजूल लग रहा है आप लोगों को कि ठगने, यूट्यूब पर जो है 80% वीडियो गलत बना करके ठगने का, ब्लैकमेलिंग करने का काम किया जाता है। बल्कि ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब आज के डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति हीरो बन सकता है। पहले जो महाराष्ट्र मुंबई में जाता था हीरो बनने के लिए, वो बन पाता था जिसको हम बड़े पर्दे पर देखा करते थे। लेकिन आज जो है, आज का मोबाइल जो है, इस मोबाइल का स्क्रीन ही बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, ऑल है, ऑल इन वन है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी हीरो बन सकता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। बहुत सारे लोग बन करके लाखों रुपए अर्जित भी करते हैं। तो ये मतलब क्या है कि बहुत बड़ी सेक्टर है, बहुत बड़ी बदलाव है। जब तक हम इस बदलाव को परखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कैसे ज़िंदगी में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसीलिए आपको कहना चाहते हैं कि 2020 का समय जो है,
डायरेक्ट सेलिंग का है, और डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति कदम रख देगा, आप यकीन करें कि 3 से 5 साल का ये कैरियर होता है। 3 से 5 साल का कैरियर करने के बाद आपकी एक बड़ी कैरियर नहीं हुई और आपके सारे शौक सपने अगर पूरे नहीं हुए तो फिर आप जो कहना। मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करते, दुनिया का कोई भी आप काम करते, क्यों करते, तो आप एक ही जवाब देंगे, पैसे के लिए करते। जब पैसे के लिए वो सब काम किया जा सकता है तो ये डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार पैसे के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक पूरा का पूरा फुल टाइम कीजिए, लेकिन पार्ट टाइम के रूप में 1 से 2 घंटे शुरुआत तो किया जा सकता है, और जैसे ही शुरुआत हो गई और धीरे धीरे समझ में आने लगेगी तो फुल टाइम ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोफिट का ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग करवाते हैं, किसान इसका डिमांड कर रहे हैं। यदि आप शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, तो अभी 95% सेक्टर जो है हमारे देश में अभी खाली पड़ा है, किसानों को जानकारी नहीं गई है, तो उनको जानकारी देकर के प्रोडक्ट बहुत बड़े पैमाने पर सेल हो सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के बीच लाइक करके शेयर कीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़िए, क्योंकि आप लोग का लाइक जो होता है ना वही हम लोग का मेहनत होता है, और उससे क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है ताकि आगे के वीडियो और बढ़िया से बनाने का प्रयास करने में सहूलियत होता है। तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो आइए, ऊपर आपको देखना है कि बदलते समय के अनुसार जिसने नहीं बदला उसके साथ क्या हुआ, ये भी जानना जरूरी है। आपको मैं बदलने के लिए कह रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कैसे बदलूँ, कैसे ना बदलूँ। अरे नेट सर्फ से जुड़ करके एक डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार की शुरुआत करके बदलाव लाइए, धीरे धीरे बहुत कुछ बदल जाएगा। एक बदलाव, एक कदम उठ गया तो धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। और आइए समझते हैं कि जो बदलाव नहीं करते उनके साथ क्या होता है। तो आपने नोकिया मोबाइल का जरूर नाम सुना होगा, आप बहुत सारा हैंडसेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मोबाइल कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने देखा होगा। नोकिया मोबाइल ये बहुत सारे मॉडल्स में आती थी और हर मॉडल्स मजबूत होते थे और अच्छा खासा समय, अच्छा खासा वैलिडिटी होती थी। तो मेरा कहने का सीधा मतलब है कि मतलब मार्केट में 95% लोगों पर हावी होने के बावजूद भी आज से 5 साल पहले तक 95% लोगों पर हावी था, जबकि अभी 5% में भी मार्केटिंग वो नहीं कर रहा है, 5% लोगों पर वो हावी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ 95% कस्टमर पर हावी होने वाला 5% पर हावी नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका सीधा सीधी एक ही मतलब है, बदलाव। आज से 5-7 साल पहले हर कंपनी ने समझ लिया, परख लिया कि अब जमाना बटन का नहीं है, अब जमाना टच का आ गया है, डिस्प्ले का आ गया है, सब कुछ दिखना है चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो उसके दृष्टिकोण से हम लोगों ने बदलाव कर दिया और नोकिया मोबाइल बटन पे ही रह गया और आज वो मार्केट से फेंका गया, बाहर हो गया। और इसी वजह से आप मान लीजिए कि नोकिया जब फेंका सकता है इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज वाली, तो हमारी और आपकी औकात ही कितनी है। इसीलिए बदलते समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। आइए बदलिए और स्क्रीन पर दी गई नंबर को नोट कीजिए, हमारे साथ संपर्क कीजिए, और कोई भी हमारे नेटसर्फ का कंपनी का प्रोडक्ट अगर चाहिए तो हमारे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप देख करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, समझदारी दिखा सकते, व्यापार को समझ सकते, सीख सकते और करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। हम चले हैं 8-19-2-50 के लिए और आप भी चलना चाहते हैं 8-19-2-50 पर 15 डेज के लिए, तो आइए हमारे साथ हाथ में लगे कॉन्टैक्ट कीजिए और व्यापार की शुरुआत कर दीजिए। कहीं से दोराई की बात नहीं, कहीं से बगलिंग नहीं। तो फिर मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।